हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद इतिवन। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी हुआ है। 3 विद्यालयों से वैकेंसी जारी हुई है। बिना अनुभव के यहाँ पर शिक्षक आप बन सकते हैं। फ्रेशर स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। यदि एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास तो और भी अच्छी बात है। कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा और एप्लीकेशन के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। कैसे एप्लीकेशन करना है सारी चीज़ें हम यहाँ बात करने वाले हैं। मेन वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करेंगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसी है और यहाँ पर सभी राज्य के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। अभी एक एक करके तीनों नोटिफिकेशन हम चेक करने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय शिवहर की जो वैकेंसी आई है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। 8 सितंबर को जो है इंटरव्यू रहेगा। 10 बजे आप लोगों को स्कूल में पहुंच जाना है। पीजीटी में जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है और हिंदी है। टीजीटी में यहाँ हिंदी और सोशल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट रहेंगे। इसकी मेन वेबसाइट जो है यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ जो है वो आप लोगों इंटरव्यू फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। अब चलिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर पीजीटी के लिए जो है आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और साथ में बीएड जो है वो कंपलसरी है। एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा गया। पीजीटी हिंदी के लिए कहा है, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी या संस्कृत के साथ आपने जो हिंदी जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। नेक्स्ट पीजीटी मैथ के लिए जो है मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ प्लस बीएड। पीजीडी बायोलॉजी के लिए है कि बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी। ये आपके पास जो है मास्टर डिग्री आपने की हो इनमें 50% अंकों के साथ, साथ में लिखा है कि बॉटनी और जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी होनी चाहिए। तो जितने सब्जेक्ट बताए मैंने आपको, जो यहाँ पर बीएड कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश में जो है वो आप लोगों को पढ़ाना होगा। और कंप्यूटर नॉलेज यदि है तो अच्छी बात है, डिजायरेबल में है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। कंप्यूटर साइंस के लिए जो है इन्होंने कहा है यहाँ पर बीएड नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या मांगा गया है, 50% अंकों के साथ आप लोगों ने, कई ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस के लिए, बीई, बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस आईटी में, आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर में तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आपने बीएससी, एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऑप्शन हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आपको आना चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर कहा गया है कि 50% अंकों के साथ आप लोगों ने बैचलर डिग्री हासिल की हो। जिन भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, 2 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय शिवहर में। टीजीटी हिंदी में कहा है कि हिंदी आपने 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ी हो। टीजीटी सोशल साइंस में कहा है कि इनमें से 2 सब्जेक्ट आपने जो है वो पढ़े हो ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से एक सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो होना ही चाहिए। यहाँ पर देखें आप, टीजीटी के लिए जो है सीटेट मांगा है। टीजीटी के लिए इन्होंने जो है वो सीटेट पास स्टूडेंट जो है इनको मांगा है, ठीक है, और बाकी हिंदी इंग्लिश में पढ़ा होना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है जो कि केंद्रीय विद्यालय झगरा खंड परिसर से आई है, तो इसे हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। इंटरव्यू की डेट जो है वो 4 सितंबर है। चाहे आप यहाँ पर पीजीटी अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान के लिए एप्लीकेशन करें, या आप कंप्यूटर साइंस के लिए एप्लीकेशन करें, या फिर आप टीजीटी के जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है यहाँ से। कैसे एप्लीकेशन करेंगे वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। बाकी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसकी मेन वेबसाइट पर है और तो वहां से जो है वो डाउनलोड आपको करना होगा। 50% मार्क्स के साथ जो है यहाँ पर आप लोगों ने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, साथ में बीएड मांगा गया है यहाँ पर अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में। नेक्स्ट यहाँ कंप्यूटर साइंस के लिए वही रहता है कि आपके पास जो है बीएससी, एमएससी या आपके पास डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर में तो आप यहाँ एलिजिबल रहेंगे। टीजीटी में यहाँ पर कहा है 50% अंकों के साथ जो है आपने ग्रेजुएशन की हो, साथ में बीएड मांगा गया है। यहाँ पर जो है एक और चीज़ आप देखें कि यहाँ पर टीजीटी के लिए सीटेट परीक्षा पास अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर किसी ने सीटेट नहीं भी क्लियर किया है तो भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर सीटेट पास स्टूडेंट को यहाँ प्राथमिकता देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जो है साक्षात्कार के लिए रजिस्ट्रेशन का समय प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। तो आप लोगों को स्कूल में पहुंचना है 4 सितंबर।
थर्ड जो नोटिफिकेशन है, केंद्रीय विद्यालय स्लाइट लोंगोवाल जिला संगरूर से ये वैकेंसी है और यहाँ पर 2 सितंबर को आप लोगों का इंटरव्यू रहेगा। 9 बजे पहुँचना है आप लोगों को स्कूल में। पद जो है यहाँ पर स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट है हिंदी, वाणिज्य, रसायन, विज्ञान। इंग्लिश में भी जो एडवर्टीजमेंट ये दी गई है अभी आपको दिखाऊंगी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी में यहाँ सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। पीआरटी की भी यहाँ पर वैकेंसी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है और स्पेशल एजुकेटर की है। नीचे आप देखें इंग्लिश में भी दिया हुआ है यहाँ पर। पीजीटी में हिंदी, कॉमर्स, केमिस्ट्री, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में सोशल साइंस, प्राइमरी टीचर जो है इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो यहाँ पर 2 सितंबर को जो है वो आप लोगों को स्कूल में पहुंचना है। अभी यहाँ पर इन्होंने लिखा है इस वैकेंसी में कि आवश्यक होने पर परीक्षा का आयोजन उसी दिन किया जाएगा। अगर इनको ऐसा लगेगा स्टूडेंट जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, क्वालिफिकेशन भी काफी अच्छी है इनकी, तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो ये एग्जाम जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी जो है बस यही डिसाइड है यहाँ पर जो है केवल इंटरव्यू रहेगा। और इस वैकेंसी के लिए जो है आवेदन की अंतिम तिथि 31/8/2023 है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य है। बाकी जो मैंने आप लोगों को वैकेंसी जो है वो दिखाई है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको जो है जिस समय जाना है उसी वक्त जो है वो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को साथ में लेके जाएंगे, डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाएंगे। दूसरी वैकेंसी जो झगड़ाखंड परिसर है तो इसमें भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके भर के डॉक्यूमेंट के साथ में स्कूल में पहुंचना है 4 सितंबर। तो ये तीनों वैकेंसी रही। मेन वेबसाइट इसकी देखिए केंद्रीय विद्यालय सीहोर, सीहोर कहाँ है, बिहार में है। तो अनाउंसमेंट सेक्शन में आप लोगों को ऊपर ही दिख जाएगा डाउनलोड वॉक इन इंटरव्यू टीजीटी पीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है यहाँ पर। दूसरी जो है यहाँ पर इसकी जो मेन वेबसाइट है आप देख सकते हैं केवीएस रायपुर रीजन झगड़ाखंड, जो झगड़ाखंड है वो कहाँ है, रायपुर में। और रायपुर ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अनाउंसमेंट सेक्शन में जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा वॉक इन इंटरव्यू डाउनलोड, ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तीसरा जो है मैंने आपको दिखाया केंद्रीय विद्यालय लोंगोवाल चंडीगढ़, तो ये चंडीगढ़ से वैकेंसी है और सबसे ऊपर ही जो है वो सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप देखें यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्लाइंग फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है सेकेंड नंबर पर, तो इसको जो है वो आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप भर के जो है नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि पहले के 2 नोटिफिकेशन मैंने जो दिखाए हैं वहां पर तो आप लोगों को स्कूल में लेकर जाना है एप्लीकेशन फॉर्म को। और तीसरा जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया है जो कि लोंगोवाल उभावल, तो इसमें एप्लीकेशन की डेट 31 अगस्त है, तो इसको आप लोग भरेंगे और भर के जो है वो आप लोगों को एड्रेस पर सेंड कर देना है। एड्रेस जो है वो आप लोगों को कहां पर मिलेगा, तो एड्रेस बिल्कुल यहां पर आपको नजर आ रहा है, सभी नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा केंद्रीय विद्यालय स्लाइट लोंगोवाल जिला संगरूर, और ये कहाँ है, पंजाब में है, ठीक है। इसी तरीके से जो है केंद्रीय विद्यालय शिवहर, और किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये जरूर आप लोगों को लिखना है। बाकी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म लेकर स्कूल में जाएंगे तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा जो नोटिफिकेशन है लोंगोवाल जिला संगरूर का, तो वहां आप लोगों को ये एड्रेस डालना होगा।